Wishing you a very happy and a vibrant day. Myself, Sushmita Sahu. Today, going to take English NCERT snapshot for class 11th. Lesson 1, The Summer of Beautiful White Horse by William Saroyan. If you like my video, kindly subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. So, let's begin. This is a story in first person and this story is about a beautiful horse and two children. ये कहानी दो बच्चों की और उनके पैशन की फॉर हॉर्स राइडिंग या फॉर हॉर्सेस के बारे में है. और एक ट्राइब, ये बच्चे एक ट्राइब को बिलोंग करते हैं. दैट वाज अर्मेनियन ट्राइब. दीज बॉयज वर अर्मेनियन एंड इनका जो ट्राइब होता है वो जाना जाता है अपनी ऑनेस्टी और ट्रस्ट के लिए. लोगों का बहुत विश्वास होता है इस ट्राइब पे. एक पूरी कहानी फर्स्ट पर्सन में है तो इसमें कॉन्स्टेंटली आई का यूज़ किया गया है. एंड इट इज़ लाइक दैट. वन डे बैक देयर इन अ गुड ओल्ड डेज व्हेन आई वाज 9 एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिशेंस एंड लाइफ वाज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम. ये कहानी दो बच्चों के बारे में है. एक का नाम मुराद है और एक खुद नरेटर है जो कहानी बता रहा है, जो कि 9 साल की उम्र का है. उस उम्र में बच्चों के एक बहुत ही सुंदर सपने होते हैं अपने जीवन के बारे में और बहुत सारी ड्रीम्स होती हैं. बहुत सारे चीज़ें ऐसी करना वो चाहते हैं जो कि शायद मुमकिन ना हो. अब एक दिन ये बच्चा सोता होता है तो उसका कज़न मुराद उसके यहाँ आता है. वो देखता है, बहुत सुबह की बात होती है, जब वो बाहर देखता है तो देखता है कि उसका फ्रेंड मुराद एक बहुत ही ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स पे बैठा है. इन दोनों को हॉर्स राइडिंग बहुत अच्छी लगती थी या हॉर्सेस बहुत पसंद थे. ये बहुत आश्चर्य होता है. मुराद से पूछता है, कहाँ से तुम ये हॉर्स लाए, क्योंकि देवर अर्मेनियन, ये लोग बहुत पुअर ट्राइब के लोग थे, ये लोग खुद खरीद नहीं सकते थे ऐसा हॉर्स. तो मुराद बोलता है कि तुम्हें राइड लेनी है क्या, तो तुम मेरे साथ आओ, बाकी क्वेश्चंस बाद में करेंगे. तो ये बच्चा ये भी सोचता है कि यार मुझे तो राइड लेने से मतलब है. और वो दोनों बच्चे उस हॉर्स पे बहुत दूर चले जाते हैं ताकि वो अच्छे से राइड ले सकें. और ये लोग अपना बढ़िया घोड़ा चलाने लगते हैं. तो पहले मुराद बैठ के और अपने फ्रेंड को बैठा के हॉर्स राइडिंग करता है. देन मुराद बोलता है कि अब मैं अकेला करूँगा, तुम उतर जाओ. तो अपने फ्रेंड को वो उतारता है और खुद अकेला हॉर्स राइडिंग करके आता है. और उसका फ्रेंड उसको बहुत अप्रिशिएट करता है कि कितना अच्छा हॉर्स राइडर है. उसके बाद उसका फ्रेंड बोलता है, मैं भी अब अकेले राइड करूँगा. मुराद बोलता है ओके. सो ये हॉर्स पे चढ़ता है और कोशिश करता है हॉर्स को चलाने की. हॉर्स रिफ्यूज़ टू राइड और टेक हिम फॉर अ राइड. अगेन ये मुराद उसको बोलता है, चलो तुम उसको और ट्राई करो. फिर इसका फ्रेंड ट्राई करता है तो ये हॉर्स दौड़ने लगता है और इसको वाइन यार्ड्स के बीच में ले जाता है और इतनी तेज़ी से दौड़ता है कि उसका फ्रेंड गिर जाता है और घोड़ा आगे भाग जाता है. अब जब घोड़ा आगे भाग जाता है तो उसका फ्रेंड, ये लोग अपने घोड़े को ढूंढने जाते हैं और उनको घोड़ा मिल जाता है. फिर ये इसको बोलते हैं कि अब हम इसे, बहुत दिन निकल आया था तो बोलते हैं अब हम इसे कहाँ रखें. तो फ्रेंड सोचता है कि यार इसको कहीं रखने की बात है, मतलब कि इसने ये ख़रीदा नहीं है. और गेरोलियन ट्राइब जो है, एक फैमिली जो मेंबर्स होते हैं, वो स्टीलिंग तो कर नहीं सकते, इसने इसको चुराया भी नहीं होगा. वो अपने फ्रेंड से पूछता है कि तुम ये घोड़ा लाए कहाँ से हो. तो उसका फ्रेंड बोलता है, सी आई हैव नॉट डन एनी स्टीलिंग, मैंने कोई इसी तरह की चोरी नहीं की है. चोरी तो तब होती है जब हम इसे बेचें और इससे पैसा कमाएं. हमने तो ये घोड़ा अकेले अपने हॉर्स राइडिंग के लिए लेके आए हैं, अपना शौक पूरा करने. फ्रेंड भी सोचता है, वाई डू आई गो इन मोर ऑफ क्वेश्चंस, मुझे तो मेरी शौक पूरा हो रहा है. तो वो भी बहुत खुश हो जाता है. फिर वो लोग क्या करते हैं, जहाँ उनका गांव ख़त्म होता रहता है उसके एंड में, एट द एज ऑफ द टाउन ऑन द वॉलनट एवेन्यू, उसके पीछे एक घर होता है और बहुत सारे वाइन यार्ड्स और ऑर्चर्ड्स एंड काफ़ी सारा लैंड खाली पड़ा था. तो वो लोग उस घोड़े को वहाँ बांध देते हैं और दोनों फ्रेंड्स बहुत मस्ती करते हैं, मज़े करने लगते हैं उस घोड़े के साथ. एवरी मॉर्निंग वो लोग उस पर राइड करते हैं.
जो उसका फ्रेंड होता है, इनके इनके ट्राइब के एक अंकल होते हैं कॉसरोव, जो कि बहुत ही पावरफुल मैन होते हैं, एंड ही वॉज ऑफ इनॉमरस साइज, दैट इज बहुत जायंट जैसे बड़े ऊंचे पूरे होते हैं, बहुत अच्छी मूंछें होती हैं, पर उनका गुस्सा भी बहुत ख़राब होता है। तो कोई भी उनसे कुछ भी कहता था तो ही हैड एक पेटेंट, उनका जवाब होता था इट इज़ नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट। एक बार ऐसे ये बाल कटा रहे थे किसी बाबा की शॉप पे, तो एक कोई आके उनको बोलता है अरे तुम्हारे घर में आग लग गई, तो भी ये बोलते हैं इट इज़ नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट, अरे कोई नुकसान नहीं उसकी तरफ ध्यान मत दो। एनीवे इस तरह से ये इनके अंकल होते हैं जिनका कि नाम होता है अंकल कॉसरोव। अब ये अंकल एक दिन इनके जो फादर होते हैं उसके कज़न होते हैं वो, और जो मुराद होता है उसके फादर का नाम तो जुराब होता है, पर उसकी जो दिमाग होता है मुराद का वो अपने इस अंकल कॉसरोव जैसा आया था। अब एक दिन ये लोग इनके घर उसके फ्रेंड के यहाँ एक अंकल कॉसरोव भी आते हैं और एक विजिटर एक फार्मर आता है जो कि उनके घर आते हैं और बोलते हैं कि मेरा एक घोड़ा ना गुम गया है। जैसे ही वो ये बोलते हैं तो उसके फ्रेंड को लगता है हो ना हो ये मुराद जो घोड़ा लेके आए हैं आया हुआ है ये वो ही घोड़े की बात कर रहे हैं। वो मुराद को जाके बताता है कि देखो वो अपना घोड़ा ढूंढ रहे हैं और हमारे ट्राइब में ऐसा नहीं होता है। मुराद के फिर उसको वही एक्सप्लेनेशन देता है कि हमने कोई चोरी थोड़ी की है, हमने इसको बेचते तभी ये चोरी होती है और हम उससे अगर पैसा कमाते। पर जो फार्मर होते हैं उनका नाम होता है जॉन बेरो, तो जॉन बेरो जो होते हैं वो एक एसिरियन ट्राइब के होते हैं। जैसे ये लोग दूसरे ये लोग के जो ट्राइब था वो था आर्मेनियन, एक ट्राइब थी इनकी आर्मेनियन बॉयज़ थे, और जो जॉन ब्रेरो होते हैं वो होते हैं एसिरियन ट्राइब के, पर उनको आर्मेनियन बोलते आती रहती है और वो बहुत ही लोनली होते हैं। अब एक बार क्या होता है जब ये जाते बच्चे अपना उस पे जाते रहते हैं घोड़े पे, इनको रास्ते में जॉन ब्रेव वो मिल जाते हैं। जॉन ब्रेव बोलते हो व्हाट अ लवली हॉर्स, एक मेरा भी ऐसा घोड़ा गुम गया है। बोलते तो बिल्कुल मेरे घोड़े जैसा ही दिख रहा है। फिर बोलते अच्छा मैं इसके दांत देखता हूँ, और वो दांत देखते हैं, उनके मन में विश्वास रहता है कि ये घोड़ा तो मेरे घोड़े जैसा ही है। पर वो बच्चों को बोलते हैं कि अगर तुम लोग उस क्लैन के हो जिस पे कि सब बिलीव करते हैं, अगर तुम उस क्लैन के नहीं होते तो मैं ज़रूर ये मान लेता कि ये घोड़ा तुम लोगों ने मेरा चुराया है, पर क्योंकि तुम उस क्लैन को बिलोंग करते हो और उस क्लैन के लोग अपने सच्चाई के लिए ही जाने जाते हैं, इसलिए मुझे पता है कि ये घोड़ा मेरा नहीं है, ये उसके जैसा बस दिख रहा है। जब ये बात दोनों बच्चे सुनते हैं तो उनको बहुत मन में खराब लगता है और उनको लगता है कि ये एक्चुअली तो ये घोड़ा उसी का है, उन्हीं अंकल का है। तो वो लोग रात को जाके ये घोड़ा उनके घर जाके लौटा देते हैं, और इस तरह ये दोनों बच्चे अपना जो कि घोड़े को इतना एंजॉय कर रहे थे बट अपनी ट्राइब के लिए अपना उस विश्वास के लिए ये घोड़ा लौटा देते हैं। चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर्स में इसका क्वेश्चन नंबर 2 सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कि पूछा गया है डिड द बॉयज़ रिटर्न द हॉर्स बिकॉज दे वर कॉन्शियस स्ट्रिकन और बिकॉज दे वर अफ्रेड, कि बच्चों ने ये घोड़ा इसलिए लौटाया क्योंकि वो कॉन्शियस स्ट्रिकन थे या फिर वो डरे हुए थे। तो इन दोनों में से दोनों चीज़ें नहीं थी, ना कि वो डरे हुए थे क्योंकि उनको कोई उनका जो बच्चे होते हैं वो उतना किसी चीज़ से उतना डरते नहीं हैं, सेकेंडली वो कॉन्शियस स्ट्रिकन भी नहीं थे कि हमने चोरी की है, क्योंकि उनका विश्वास उनका मानना ही नहीं था कि हमने चोरी की है। चोरी तो तब होती है जब हम उस चीज़ को बेचेंगे और उसके बदले हमें पैसा मिलेगा, पर ये घोड़ा इसलिए लौटा देते हैं क्योंकि अपनी फैमिली प्राइड के लिए, अपने कुनबे की, अपने जो ट्राइब है उसके प्राइड के लिए, कि हमारा ट्राइब जब इसी चीज़ के लिए जाना जाता है कि हम लोग सच्चे और ईमानदार लोग हैं तो हमें अपने ट्राइब से हट के कुछ और नहीं करना चाहिए, इसलिए ये लोग लौटा देते हैं। एंड विद दिस थैंक यू सो मच। आई होप सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू विल पुट इट इन द पेन बॉक्स इन माई कमेंट बॉक्स। विद दैट थैंक यू, बाय, टेक केयर।